इस मठ के शंकराचार्य अभी मिलते सुरानंद सरस्वती हैं। आज वो अयोध्या पहुंचे हैं, आज उधर लोकलिटी से बातचीत करेंगे और बताएंगे कि क्या उद्देश्य आने का। अयोध्या तो हम शक्ति प्राप्त करने के लिए आए हैं, सामर्थ्य प्राप्त करने के लिए आए हैं, क्योंकि गौ माता जो हमारी प्रतिष्ठा है आज उनकी अप्रतिष्ठा हो रही है। तो हम चाहते हैं कि देशव्यापी अभियान चला करके गौ माता को राष्ट्र माता के रूप में प्रतिष्ठित किया जाए। ये जो केंद्र सरकार है, ये जो हमारी राज्य की सरकारें हैं, इन्होंने अपराध किया है कि पशु की सूची में हमारी गाय को रखा है, जो कि हम पशु नहीं मानते हैं उसको। तो पशु सूची से हटाया जाए, माता के रूप में उनको प्रतिष्ठित किया जाए, ये जो कार्य है, और उनकी हत्या को दंडनीय अपराध घोषित किया जाए, तो ये बड़ा कार्य है। इसके लिए हमको शक्ति की जरूरत है। तो हम अयोध्या जी आए हैं, क्योंकि भगवान श्री राम विप्रधेन सुर संत हित वो आए ही थे गौ माता की प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए। तो उन्हीं से आशीर्वाद लेके शक्ति प्राप्त करके हम जाना चाहते हैं, इसीलिए हम अयोध्या आए। महाराज जी, ये यात्रा कितने दिनों में वृंदावन पहुंचे? ये जो हमारी यात्रा है, ये देखिए 36 प्रदेश हैं भारत के। हम चाहते हैं कि 36वें प्रदेश में गाय की चर्चा शुरू हो जाए, क्योंकि अखिल भारतीय स्वरूप इस चर्चा को मिलना चाहिए। और दूसरे 36 प्रदेश में जल्दी जल्दी भी जाएंगे, हमारे पास तो वो प्लान नहीं है कि हम यहाँ से उड़े वहां चले जाएं, तो हम तो कार से जाना है। तो एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश की दूरी में औसत रोज 1000 किलोमीटर हमको चलना पड़ेगा। तो हम एक जगह जाएंगे, वहां पे जल्दी जल्दी काम करके फिर दूसरी जगह के लिए निकल पड़ेंगे। इस तरह से 36 दिन में हम 36 प्रदेश को कवर करेंगे, और एक दिन अयोध्या जी का और एक दिन वृंदावन का, ऐसे 38 दिन की हमारी ये यात्रा। तिरुपति बालाजी के प्रसाद को लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। कहा जा रहा है कि राम मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो उसमें भारी मात्रा में प्रसाद अयोध्या भी आया था, कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये विवाद शब्द जो है बहुत छोटा है, ऐसा हम समझते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपराध हुआ है, और इस अपराध को करने वाला क्या है, कौन है, और उसकी मंशा क्या है, इसको जल्दी ही जनता के सामने स्पष्ट होना चाहिए। और यहाँ पर लोग आए थे, श्रद्धा से आए थे, 1 लाख लड्डू वहाँ से भेजे गए। 1 लाख लड्डू एक व्यक्ति नहीं खाता है। हमारे यहाँ जब प्रसाद आता है तो उसमें से एक एक दाना लोगों को बंटता है, तो मतलब 1 लड्डू में कम से कम 100 लोग, तो आप समझ लीजिए कि 100 लाख लोगों ने, 1 करोड़ लोगों ने तो कम से कम यहीं वाला प्रसाद खा लिया हो। तो इतने लोगों के मन में अब समस्या हो गई है, उनको लगता है कि हमसे बड़ा दोष हो गया, हमसे बड़ा पाप हो गया, अब हमारी पवित्रता खंडित हो गई। तो सबसे पहले तो हमसे लोगों ने पूछा, तो हमने बताया है कि आप पंचगव्य का प्राशन करिए। यत्त्वगस्तिगतं पापं देहस्तिष्ठति मामके प्राशनात् पंचगव्यस्य धात्यग्निरेवेन्धनम्। जैसे आग में ईंधन डाला जाए तो आग ईंधन को जला के भस्म कर देती है, उसी तरह से पंचगव्य का अगर प्राशन किया जाए तो देह के अंदर जो पाप है वो समाप्त हो जाता है। तो पहले तो पंचगव्य का प्राशन करके अपने शरीर के अंदर के पाप को नष्ट करें, उसके बाद जो मन में बात है उसके लिए गौ माता के बारे में शपथ ग्रहण करें कि अब हम गौ मतदाता बनेंगे, और गौ मतदाता बनकर के उसी पार्टी प्रत्याशी को वोट देंगे जो गौ माता के बारे में साफ घोषणा कर देगा शपथ पूर्वक कि हम अगर सत्ता में आए तो हम गौ माता की प्रतिष्ठा के लिए कार्य करेंगे, उससे उनका पाप दूर होगा। और ये यहाँ के लोगों को भी सोचना चाहिए था कि लड्डू आया है तो उसकी जाँच करवा लें, लेकिन भरोसा किया गया, भरोसा तो सब करते हैं, इसलिए दोस्त तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन अब इतनी बड़ी बात आने के बाद हम ये चाहते हैं कि अयोध्या के संतों महंतों और अयोध्या का जो ये तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है, इस ट्रस्ट को भी पहल करनी चाहिए। और जैसे वहाँ ये गड़बड़ी हुई, क्यों हुई? क्योंकि अधिकारियों के जिम्मे सब हो गया, वहाँ पर धार्मिक लोगों को पीछे हटा दिया गया। ऐसे ही अब जितने भी देश में मंदिर हैं उन सब जगहों पर जो धर्म का काम है वो धर्माचार्यों के, राग भोग का काम और पूजा पाठ का काम, ये धर्माचार्यों के हवाले किया जाए, बाकी व्यवस्था सरकार की। बात यह है कि तिरुपति में हमने बताया है कि 3 लाख करोड़ रुपया हम लोगों ने अपने घर से ले जा करके वहां दे दिया। अभी उनके पास 3 लाख करोड़ का सरप्लस अमाउंट है। 11,000 किलो से ज्यादा सोना हम लोगों ने दान कर दिया। इसी तरह से जाने और कितनी संपत्तियां हैं। इतनी संपत्ति होते हुए भी बाजार का खरीदा हुआ घी भगवान के भोग के लिए उपयोग कर रहे हो, कैसे ये कर सकते हो? तुम्हारे पास पैसा है, तुम अपने घर में अच्छी देशी नस्ल की शुद्ध वेद लक्षणा गायों का संरक्षण करो, और उनसे जो दूध हो उसे घी बनाओ, और उससे प्रसाद बनाओ, क्यों नहीं करते हो? इसलिए भले उसके लिए 1 लाख गाय पालनी पड़े, आप पालो, आपके पास कोई कमी है? हिंदू समाज ने आपको भरपूर धन दिया है, फिर उसके बाद भी आप बाजार से खरीद करके और जैसा तैसा घी प्रयोग लाते हो, तो ये नहीं होना चाहिए। इसी तरह से रामलला के भोग के लिए भी, और इसी तरह से विश्वनाथ के भोग के लिए भी, और सब जगह के लिए। अब ये मंदिरों का जो धन कोष है
वो गौ माता के लिए खर्च किया जाना चाहिए ताकि शुद्ध दूध, शुद्ध दही, शुद्ध घी ये सब उपलब्ध हो सके, और उनकी भूमियां जो हैं उन भूमियों में शुद्ध अन्न भी उगाया जाए ताकि उस अन्न का भगवान को भोग लगे। दर्शन करने कब जाएंगे? दर्शन करने कल हम रामकोट की परिक्रमा करेंगे। सबसे पहले अभिजीत मुहूर्त में 11:30 बजे के लगभग क्षीरेश्वर भगवान की पूजा अर्चना करेंगे, फिर वहां से रामकोट की परिक्रमा करके भगवान को प्रणाम करेंगे। मतलब अंदर परिसर में नहीं? परिसर की ही तो परिक्रमा करेंगे, वहां पर जो दैवी शक्ति है भगवान की उसी को तो प्रणाम करेंगे, और क्या करेंगे। नहीं तो परिसर में जो रामलला जहां विराजमान, बारे में आप लोगों को याद नहीं है, हमने पहले ही घोषणा की हुई है, आपके चैनलों ने सबने चलाया भी है, हमने बहुत पहले 5-6 महीना हो चुका इस बात को, तभी हमने कह दिया था कि रामलला का दर्शन करने, उनके सामने खड़े होने के लिए, अभिमुख होने के लिए हम तभी जाएंगे जब जिस गाय के लिए भगवान श्री राम ने अवतार धारण किया था, मनुज अवतार धारण किया था, विप्रधेन सुर संत हित, उन रामलला के सामने हम तब जाएंगे जब गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करा लेंगे, और राष्ट्र माता का दूध दो करके कटोरे में लेकर के संतों महंतों के साथ हम दर्शन करने जाएंगे। हे भगवान, हम आए हैं और तुम्हारे लिए राष्ट्र माता का दूध लाए। ये थे हमारे साथ ज्योतिष मठ के शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी, जिन्होंने साफ कहा कि जब रामलला का शिखर बनकर तैयार होगा तभी हम दर्शन करने जाएंगे। अयोध्या से लोकल 18 के लिए सर्वेश्वर वास्तव।